हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और भाई, हमारी बेकार लाइफ में आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा ट्राई करेंगे, आप इंटरेस्ट ले लें। और दूसरा सीन ये कि तुम लोगों को निशान नज़र आ रहा होगा ना, ये बिल्कुल टू कॉपी ढकी ऐसा निशान आ रहा है, मैं नोटिस करा भाई यहाँ पे। वैसे सब ढकी भाई को देखते हैं, सबको ही पता होगा, बिल्कुल टू कॉपी वैसे ही निशान आ रहा है। सो भाई, आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं इसी के साथ। आज 12 रबी अव्वल का दिन था और ये व्लॉग पता नहीं कब अपलोड होगा, लेकिन बनाना इंपॉर्टेंट है भाई। हालत को इग्नोर मारना मुझे पता है हमेशा की तरह बुरी ही लग रही होगी, तो वैसे भी कोई तारीफ करता नहीं है, तो इसी हालत में बुला देता हूँ। तो कंटिन्यू करते हैं आफ्टर देख के आने के बाद। तो बिरयानी शरियानी आ गई है। अब पता है असल खुशी किस चीज़ की होती है 12 रबी अव्वल में? सिर्फ असल खुशी का रीज़न ही होता है मुझसे खुल भी नहीं रहा, खुल नहीं रहा है मुझसे। उठाना This is a thing भाई, मतलब मिक्सअप बंदा करे अपने हाथों से खुद। नहीं सी चाबी मुझे खुद को भी खानी है, तो पहले मैं पहले काम वाम निपटा लूँ, फिर मुलाकात करता हूँ। हाँ तो भाई, अब जो सीन है ना वो ये है कि बहुत सारे दाने हो रहे हैं यार। वैसे रीज़न क्या है मुझे भी नहीं पता, मैं काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, तुम लोग मुझे बताना रीज़न क्या है, लेकिन बस सही बताना है, वो तुम लोगों की सोच कहाँ जाएगी मुझे पता है। खैर, अभी सीन ये है कि यार अभी मैं बिरयानी सब बांट के आया और सारी चीज़ें फारिग हो गई, वो चीज़ दिखा नहीं सकता था क्योंकि वो घर की तरफ से भी अलाउ नहीं था। और दूसरा सीन ये है कि अब मुझे जाना है अम्मी को लेके मामू के, क्योंकि मेरा वैसे कहीं जाने का प्लान था लेकिन वो कैंसिल करा दिया अम्मी ने, तो मुझे अम्मी को लेके जाना है मामू के। और वो क्यों कैंसिल कराया वो मैं तुम्हें उधर पहुँच के बताता हूँ। तो अभी निकलता हूँ तैयार वैयार होके। मुझे यार सीन एक ऑफ हो गया, मुझे मामू के अम्मा के साथ मामू के घर जाना था, लेकिन अम्मी ने बोला कि हमारे मामू लोग खुद घर पर आ रहे हैं, तो ये मेरे साथ बेस्ट सीन हो गया, बिकॉज़ भाई मुझे ख्वारी नहीं करनी थी इतने रश के अंदर। तो अभी मैंने प्लान करा, मैंने उस्मान को बोला कि यार चलो व्लॉग भी बनाना है, कहीं मूवी शूवी देखने चलते हैं, आज काफ़ी टाइम हो गया। तो उसमें ने बोला कि हाँ सीन डन है, चलते हैं। तो अब उसके पास आया हूँ मैं, उसका वेट कर रहा हूँ। अब मूवी देखेंगे कौन सी है मुझे भी नहीं पता, उसी वक्त सेलेक्ट करनी है, और बात का क्या सीन है वो तुम लोग बाद में ही देख लेना ना भाई। वी आर सर वी ओ इंग्लिश नहीं बोली जाती हमसे, गरीब बंदा हूँ मैं। तो भाई वी आर रेडी। ये तो मतलब भाई ऐसे शादी वादी में जा रहे हैं जैसे कि पता है इंसान के अंदर का हाल इंसान जानता है, उसकी कैसी हालत है अंदर से इस वक्त, फटी पड़ी। क्यों फटी पड़ी? अरे यार अभी पैसे की किल्लत हो गई, गुर्बत चेक कर रहे हो अब, गुर्बत हम लोग की गुर्बत पर देखो। लेकिन मूवी सीन कैंसिल नहीं हो सकता भाई, क्योंकि मैं घर का सीन ऑफ कर कर आया हूँ, तो अब मुझे कुछ भी करके मूवी सीन देखना है जब तक ये रेडी वगैरह होता है। मैंने तो बस ये जैकेट निकाला पहननी है, वैसे भी तुम लोगों ने देख लीजिए पहना हुआ था, और बस निकलने का सीन है भाई। ओके हम लोग मूवी देखने के लिए आए ईद मिलादुन नबी के दिन, और हमारी ख्वारी कैसे हुई है, लाइक सिनेमा बंद है, तो हमने फैसला किया कि खाने ही खाने चलते हैं क्योंकि रास्ता नहीं बचा हमारे पास, तो चलते हैं भाई। ब्यूटीफुल व्यू, हमारा सीन ये था कि हमें जाना था मूवी देखने हम जा नहीं सके क्योंकि एक मिलादुन नबी का महीना था और हमारी गलती थी, हमें नहीं पता था, तो हम लोग मूवी के बजाय गलती से इधर आ गए। तो अब खाना खा रहे हैं और कुछ कर नहीं सकते, किधर आए तुम लोगों को नाम पढ़वा देता हूँ और फिर हम लोग थोड़ा सा खाना वाना ऑर्डर करते हैं, चलते हैं। प्लान तो पूरे आज का दिन ही ख़राब चल रहा है, मेरे प्लान ही पूरे ख़राब हैं भाई। मामा चाय जंक्शन, सिनेमा की खुशी हमें इतनी थी लेकिन हमारे पास गुर्बत चल रही थी। देख रहे हो फटी हुई पैंटें पहन के घूम रहा हूँ मैं, वैसे यार इतनी फटी हुई नहीं थी, फट गई है ज़्यादा है ना। हम लोग इतनी गर्मी के अंदर सेक्सी लगे, जैकेट पहन के आए थे, चेक कर लो ये देखो जैकेट पहन कर आए थे, लेकिन घंटा के सेक्सी लग रहे हैं हम लोग। ये खुशी के अंदर देख रहे हो, इतना पैसा नहीं था, सिर्फ 3D ग्लासेस मेरे पास ऑलरेडी पहले से पड़े हुए थे, खरीदने ना पड़े इसलिए घर से वो उठा के लाया था, इधर ही पड़े रहेगा भाई। जब भी कोई प्लान हम बनाते हैं वो कामयाब नहीं होता, तो खैर प्लान ना बनाए। अरे यार मैं ईद मिलादुन नबी पे कहना चाहूँगा तुम लोगों के, भाई ये जो महीना है ना इसके अंदर आप लोग ना लोगों को ट्रैफिक जाम कर देना है, सारी चीज़ें ना ही हमारे नबी पाक की पैदाइश का दिन है, बहुत बड़ा दिन है, तो उस पर आप गरीबों को चीज़ें बांटते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन अच्छे अच्छे लोग भी लूट रहे होते हैं ये बुरा लगता है, तो इस चीज़ से थोड़ा गुरेज करें। खैर बचपन में मैं भी लूटा था, बच्चों तक की हद तक ठीक है, बड़े ना लूटें अच्छा नहीं लगता। खैर खाना ऑर्डर करते हैं फिर बताते हैं क्या सीन है। आंखें ख़राब हैं मुझे, धुलना लग रहा है, मुझे ये नहीं पता चल रहा, लेकिन खैर फिर भी आप लोग बताना धुलना है या लग रहा है। थैंक यू शॉपिंग।
और वन मोर थिंग भाई, एक और सीन हो गया। पहले तो यार मेरे बाल बिल्कुल इग्नोर करना, मुझे पता, सबको पता, बाइक पे बैठने के बाद कुछ यही हालत होती है। और तुम लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि उस्मान के साथ सीन कर दिया था मैंने, वो सीन क्या था ये तुम्हें खुद बताएगा भाई। तेरी बच्ची से लड़ाई की हुई है, हैं यार, जो तुमने मेरे साथ कांड करवाया ना उसकी वजह से, जो तुमने प्रैंक बोला है। हाँ यार, वो ऐसा बरसी है, वो कह रही है कि तुमने ये कब से कारोबार शुरू कर लिया बिजनेस, कि तुम सब्जी बेचने लगे हो। यार मैं बोल बेबी, ऐसा कोई बात नहीं थी, प्रैंक था यार, ये भी अच्छा था कारोबार वो। मैंने फिर भाई इतनी कोशिश की मनाने की, वो नहीं मानी। फिर मैंने बोला बेबी कि मैं आपके घर आ जाता हूँ, आपको मनाता हूँ। यार मैं घर गया हूँ, मैं कॉल कर रहा हूँ, वो कह रही है कि विंडो पे ही नहीं आ रही। यार मैं कब से आते अल्ट्रा प्रो मैक्स क्वारी हो गई मेरी वजह से। लेकिन इससे मुझे कुछ भी नहीं कहा, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। और दूसरा रीज़न भाई एक और, आज ईद मिलादुन नबी का महीना चल रहा है, दिन चल रहा है, यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, हर कोने पे हमें कपल्स नज़र आ रहे हैं, हर पुल के कोने पे। हम लोग रस्ते में जा रहे हैं, हर ट्रैफिक में दो दो बंदे लड़कियाँ लेके घूम रहे हैं, हर बंदा भाई खुशियाँ मनाओ, प्यार बांटने का बोला है, लेकिन ऐसा नहीं करो कि हर कोने में। ब्रो, नबी के अलावा लड़कियों से प्यार बांट रहे हैं यार, अस्तगफार, तौबा तौबा यार, तौबा अस्तगफार। सीरियसली यार, ये सीरियस टॉपिक है, हम लोग मजाक में बता रहे हैं, लेकिन ऐसी हरकतें नहीं करो यार, ये डेटे मारने का दिन नहीं है, इसको थोड़ा सा सीरियस लो भाई। खैर मैं तुम लोगों को घर पहुँच कर ही बताता हूँ कि क्या सीन है, क्योंकि अभी मैंने खाना नहीं खाया, पर खाना खा लेता हूँ, क्योंकि एंड है। तो भैया जी, घर हम लोग आ गए, आई होप तुम लोग को ब्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो बस सपोर्ट कर देना, इतनी गुजारिश है। इसको भी मैं अभी घर छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, सही है। और बाकी फिर हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, इंशाल्लाह। तड़प बाय।